लिया, पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए, पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए, लुटी हर शय गई बल पताए लगा, पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए, पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए, अपनी जिंदगी दे विच ये तजर्बा किया, पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे। ख़वातीन और हज़रात, कराची सराय की कॉमेडी के साथ आपका होस्ट आमिर अब्बास हाज़िर है। आज आपकी मुलाकात सराय की खित्ते के उभरते हुए सिंगर मलिक असलम असर से करवाने जा रहे हैं। ज़रूर आपकी समातों से सॉन्ग टकराया होगा, पैसे मुक दे गए यार रुसते गए इन्होंने गाया है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने 2001 में म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा था, फिर 8 साल का गैप आ गया, आते ही म्यूज़िक की दुनिया में छा गए। गैप आने की वजह भी जानेंगे और जिन्होंने मुआशरे की हकीकत पर जो सॉन्ग लिखा है पैसे मुक दे गए यार रुस्ते गए, वो भी इनसे सुनेंगे। आइए इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? अच्छा, सुनने में आया कि आपने 2001 में म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा, फिर 8 साल गैप आ गया, इसका क्या राज है? वो ये है कि 2001 से मैंने प्रॉपर अपना शागिर्दी की थी अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद आशिक अली खान साहब हैं, मुजफ़्फ़रगढ़ के उस्ताद हैं। 2012 में मैंने थोड़ा ऐसे वाइंड अप कर दिया था ये काम, कोई पर्सनल मसरूफियात की वजह से, फैमिली मैटर्स थे। लेकिन शौक़ जो होता है वो कहते हैं कि मरते दम तक रहता है। बिल्कुल। तो 8 साल बाद फिर से शुरू कर दिया। तो अब आपने 2000 में स्टार्ट किया गाना, आते ही म्यूज़िक की दुनिया में छा गए, इसका क्या राज है? ये अपना आप जैसे भाइयों की, लोगों की मोहब्बत का नतीजा है। सही। और उस्ताद मोहतरम की दुआओं का असर है। अच्छा, कितने आज तक आप सॉन्ग गा चुके हैं? मेरे तकरीबन, मैं फरवरी 2020 से दोबारा एंट्री की है और तकरीबन 40 के करीब ये सॉन्ग अभी। आपका सबसे मकबूल तरीन सॉन्ग कौन सा है? मकबूल तरीन सॉन्ग वही तलख सी हकीकत है, पैसे मुक दे गए यार रुस दे गए। अच्छा, ये जो आपने सॉन्ग गाया है, क्या आपका अपना लिखा हुआ है या किसी शायर का है? जी, मेरे दोस्त हैं इम्तियाज़ मुनीर, शायर हैं कोटा दो से। अच्छा, आपके साथ आपके दोस्त हैं, ये जो तलख हकीकत है, इसका सामना आपने किया था या शायर साहब ने किया था? ये शायर साहब ने भी किया है, मैंने भी, और ये तक सॉन्ग हमने साथ लिखा है बैठ के। मैं ज़्यादा इस तजर्बे से गुजरा हूँ, शायर साहब भी गुजरे हैं। तो इस फील्ड में काफ़ी नौजवान हैं जो कदम रखना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो सिंगर के अंदर, नौजवान के अंदर होनी चाहिए वो सिंगर बन सकते? ये एक खुदादाद सलाहियत होती है, हर इंसान में होती है किसी ना किसी, मतलब ज़िंदगी के अपना शोबे में, कोई किसी का, मतलब अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी होती है, सिंगिंग कर सकता है, कोई और काम कर सकता है, तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। उसके बाद अपराधों की खिदमत करने से भी अल्लाह मियाँ तरक्की देते हैं। तो आपका ये सॉन्ग हिट हुआ पैसे मुक दे गए यार रुस गए, उसके बाद आपको फ़ोन वगैरह भी आने शुरू हो गए होंगे काफ़ी सारे फैंस के? जी बिल्कुल, फैन मैं तो फैन नहीं कहता, वो भाई होते हैं, दोस्त होते हैं अच्छे। हाँ। मतलब मोहब्बत करने वाले, तो मतलब जो सिंगर हिट हो जाते हैं उनको काफ़ी लड़कियों के फ़ोन वगैरह भी आते हैं, क्या आपको भी आए थे? डेफिनेटली आते हैं, मुझे भी। सॉन्ग बड़ा हिट हुआ है पैसे मुक दे गए यार रुस्ते गए, आप हमें थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएं। जी जरूर सुना। अपनी जिंदगी दे विच ए तजर्बा किया, पैसे मुक दे गए वो यार रुस दे गए, पैसे मुक दे गए वो यार रुस दे गए, लुटी हर शय गई बल पताए लगा, पैसे मुक दे गए वो यार रुस दे गए, पैसे मुक दे गए वो यार रुस दे गए। समझदा लिखी ए नसीबां दी है, कहते
भले किते उठूं मिली बुराई मैं समझदा लिखी ये नसीबा दी है कल्हा बाए के मैं अक्सर सोचे दाई हा पैसे मुख दे गए ओ यार उस दे गए पैसे मुख दे गए ओ यार उस दे गए जड़न होंदा हा हर अपना पराया सजन होंदा हा बसदा वेला या साडा जड़न होंदा हा हर अपना पराया सजन होंदा हा यार जेड़ा भी हा यार पैसे दा हा पैसे मुक दे गए वो यार रुस दे गए पैसे मुक दे गए वो यार रुस दे गए मुनीर जिंदगी गाली बैठा संगी आज तई गोले दा हलाली बैठा इम्तियाज मुनीर जिंदगी गाली बैठा संगी आज तई गोले दा हलाली बैठा संगी आज तई नी मैं को हलाली मिलया पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए लुटी हर शय गई बल पताए लगा पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए अपनी जिंदगी दे विच ये तजर्बा किया पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए पैसे मुक दे गए ओ यार रुस दे गए।